नीलांबर बाबू के बगीचे में स्वामी विवेकानंद और उनके शिष्य के बीच में वार्तालाप हो रही है, जो कि उद्बोधन पत्रिका के प्रथम प्रकाशन के बाद के आने का दृश्य। क्या आपने उद्बोधन देखा? हाँ स्वामी जी, एक अच्छी संख्या है। हमें इस पत्रिका में सभी चीज़ों को, विचारों, भाषा और सभी चीज़ों को नए ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। स्वामी जी वो कैसे? हमें इस पत्रिका में श्री रामकृष्ण के विचारों को ही सिर्फ नहीं देना है, साथ ही हमें बंगाली भाषा में एक नया जोश भी प्रदान करना है। उदाहरण के तौर पे हमें इस पत्रिका में क्रियाओं का कम से कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि क्रियाओं के अधिकतर इस्तेमाल से भाषा की शक्ति कम हो जाती है और इसमें हम विशेषण को क्रियाओं की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के उद्बोधन लिखिए और उसे प्रकाशित होने से पूर्व एक बार मुझसे जरूर दिखा लिया कीजिए। लेकिन जिस प्रकार स्वामी त्रिगुणातीत ने परिश्रम किया है, किसी और व्यक्ति के लिए उस तरह का परिश्रम करना असंभव है। तो आपको क्या लगता है कि श्री रामकृष्ण के सर्वत्यागी सन्यासी सिर्फ पेड़ के नीचे बैठ के आग की धुनी जलाने के लिए पैदा हुए हैं? अगर ये सर्वत्यागी सन्यासी किसी कार्य को अपने हाथ में ले ले तो उनकी ऊर्जा देखने लायक होगी। उदाहरण के तौर पे आप स्वामी त्रिगुणातीत को ही देखिए। उन्होंने मेरे कार्य को, उन्होंने मेरे आदेशों को और आज्ञाओं का पालन करने के लिए अपनी साधना, भक्ति और दैनिक कार्यों को मद्देनजर दरकिनार करते हुए उन्होंने अपना पूरा समय और इसमें अपना पूरा ध्यान लगा दिया, और ये सभी जो कार्य हो रहा है वह गृहस्थ के भलाई के लिए ही तो है। तो हमें पूरे परिश्रम से चाहिए कि कार्य में लगे रहें और तब तक नहीं रुके जब तक सफलता नहीं मिल जाए। लेकिन हमारे आंखों में यह अजीब लगेगा, गेरिया वस्त्र धारण किए हुए सन्यासी स्वामी के रूप में घर घर जाए। इसमें अजीब क्या है? हम ये जो सारा कार्य कर रहे हैं वो सारा कार्य तो जनता के भलाई के लिए ही है, और इससे गृहस्थों और समस्त मानव जाति का कल्याण ही होना है। ये जो बातें हैं यह एक मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमें चाहिए कि इसे वेद, वेदांत, उपनिषद, इन सभी चीज़ों को लोगों तक सरल भाषा में पहुंचाया जाए। और हम अपने लिए यह परिश्रम नहीं कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कि हम इससे पूरे मानव जाति का कल्याण करें। और अगर पत्रिका से कुछ धन अर्जित होती है तो उसका उपयोग नए मठ, भवन आदि को खोलने के लिए किया जाएगा। साथ ही इस बात पर भी आप ध्यान दीजिए कि अगर गृहस्थ अपना घर चलाने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए इतना परिश्रम कर सकते हैं तो हमारा उद्देश्य तो और बड़ा है। तो हमें चाहिए कि अपनी पूरी लगन शक्ति के साथ कार्य में जुटे रहें और तब तक नहीं रुके जब तक कि हमारा लक्ष्य हासिल न हो जाए। लेकिन स्वामी जी आपको क्या लगता है, सभी लोग आपकी इस भावना का सराहना करेंगे? तो क्या हुआ, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग हमारी भावनाओं को और हमारे मतों की सराहना कर रहे हैं या नहीं। न तो हमारे पास खोने के लिए कुछ है और न ही हमें किसी चीज़ की लालसा है। तो हमें अपने पूरे मन, लगन और पूरे शक्ति के साथ कार्य में लगे रहना चाहिए। ये पत्रिका तो पाक्षिक होगी, लेकिन हमें इसे साप्ताहिक भी करना चाहिए। किंतु धन कहाँ है? अगर श्री रामकृष्ण की कृपा हुई तो हम इसे दैनिक भी कर सकते हैं, और कलकत्ता के गली मोहल्लों में इसकी लाखों प्रतियां मुफ्त में बंटवा सकते हैं। अभी अगर भविष्य में ऐसा होगा तो हमें लगता है कि हम भी वैसा जरूर कर पाएंगे कि यह दैनिक जरूर प्रकाशित होगी। फिलहाल तो अभी धन की कमी है तो इसे थोड़े अंतराल पे ही प्रकाशित करना ज़्यादा उचित है। आपका विचार बहुत बड़ा है। मेरे विचार में सबसे पहले मैं इस पत्रिका को स्वावलंबित बना देता हूँ, फिर आपको इसका संपादक नियुक्त कर दूंगा। अभी आप में उतनी क्षमता नहीं कि आप किसी उद्यम को अब उसके बलबूते पे खड़ा कर पाए। तो आप तो छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाते हैं, लोगों की सराहनाओं और आलोचनाओं पे आप अपना कार्य बीच में रोक देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें इस बात की अवहेलना करते हुए अपने कार्य में जुटे रहना चाहिए। तो मैं पहले इसे स्वावलंबित बना देता हूँ, फिर आपको इसका संपादक नियुक्त कर दूंगा। लेकिन पिछले दिन मैंने स्वामी त्रिगुणातीत को देखा श्री रामकृष्ण के चित्र में पूजन करते हुए कार्य के आरंभ से पहले, और आपका आशीर्वाद लेते हुए कार्य की सफलता के लिए। यह तो बहुत अच्छी बात है, श्री रामकृष्ण ही हमारे केंद्र हैं और हम सभी उनकी किरण हैं।
तो हमें चाहिए कि अपने काम में पूरी तरह जुटे रहें। साथ ही ये जो सारा कार्य कर रहे हैं इससे हम श्री रामकृष्ण का कार्य ही कर रहे हैं, और ये ऐसा ही श्री रामकृष्ण का भी उद्देश्य था कि इन सभी चीज़ों को, बातों को जन जन तक पहुँचाया जाए। हमें सिर्फ अपने लिए स्वार्थी नहीं बनना है कि मैं सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर लूँगा और मैं सिर्फ भक्ति साधना कर लूँगा। क्या ये जो काम कर रहे हैं वह किसी भक्ति से कम है क्या? स्वामी त्रिगुणातीत आपसे भयभीत है और उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है पत्रिका पे आपके राय लेने के लिए। स्वामी त्रिगुणातीत से कहिए कि मैं उनके कार्य से बेहद प्रसन्न हूँ। उन्होंने जो कार्य किया है वह अतुल्य है। ऐसा सभी जनसाधारण के लिए कर पाना असंभव सी बात होगी, लेकिन सर्वत्यागी सन्यासी के लिए ऐसा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर किसी कार्य को ये सन्यासी अपने हाथों में उठा ले तो उनके जैसा कार्य करने की क्षमता किसी और में नहीं होती है। साथ ही हमें इस पत्रिका में सभी चीज़ों को अच्छे से इसे प्रस्तुत करना है, और हमें इन चीज़ों को ऐसे प्रस्तुत करना है कि हम चांडाल को भी ब्राह्मण के स्तर तक ला सके। उदाहरण के तौर पे आपने भी देखा होगा कि श्री रामकृष्ण कैसे लोगों को समझाते थे, जिन्हें हम समझते थे कि ये पतित हैं, इन्हें कुछ नहीं आता, उन्हें भी श्री रामकृष्ण इस तरह प्रेरित करते थे, इस तरह उत्साहित करते थे कि वह भी कभी न कभी और बहुत जल्द ही अपने पैरों पे खड़ा हो जाता था। उसमें भी ऐसी क्षमता आ जाती थी कि वो भी बहुत बड़े बड़े काम कर दिखा जाता था जो कि हम कभी सोच नहीं सकते थे। तो हमें चाहिए कि इस पत्रिकाओं में और पुस्तकों जो कि प्रकाशित होने वाली है उसमें वेद, वेदांत, उपनिषद, तमाम तरह के जो ग्रंथों का ज्ञान है उसे सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाया जाए। तभी मैं समझूंगा कि आपके वेद, वेदांत का, उपनिषद का अध्ययन सफल हुआ। आपने बहुत सारे ग्रंथ, अनेक धर्मों के ग्रंथ और यहाँ तक कि हिंदू धर्म के ग्रंथ भी देखे होंगे जिसमें ऐसा लिखा हुआ रहता है कि तुम पापी हो, तुम अभिशप्त हो, तुम नर्क जाओगे, जिससे लोगों के प्रति एक हीन भावना और डर की अनुभूति भी होती है। तो हमें लोगों के प्रति अपने भीतर हीन भावना से ग्रसित नहीं होने देना चाहिए। हमें उन्हें उत्साहित करना चाहिए और इन पत्रिकाओं में सकारात्मक विचारों का समावेश होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखे हुए आप जो है वो पत्रिका लिखिए, और मुझे लगता है कि यह बहुत जल्द ही बहुत ही अच्छा कर पाएगी और आप सभी यह काम जरूर कर पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को लिखिए और एक बार प्रकाशित होने से पूर्व मुझे ज़रूर दिखा लिया कीजिएगा। आपके आशीर्वाद और आपके आज्ञा से अब मुझे भी लगता है कि मैं भी सफल हो जाऊंगा। यह तुमने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो और मुझे भी लगता है कि आने वाले भविष्य में तुम ऐसा जरूर कर पाओगे। और इसके साथ साथ लोगों को इस चीज़ के लिए भी प्रेरित करो कि वे मन और शरीर दोनों के बीच में एक समानांतर रफ्तार से उसे चला पाने की क्षमता पैदा हो। क्योंकि मन और शरीर, और अगर इन दोनों के बीच में एक समतुल्य नहीं रहेगा तो फिर सिर्फ मन की ऊर्जा से कार्य नहीं हो पाएगा और सिर्फ शरीर की ऊर्जा से भी वैसा कार्य का वैसा आउटपुट नहीं निकल पाएगा जैसा कि हम सोच सकते हैं। तो हमें चाहिए कि मन और शरीर दोनों के बीच में एक समानांतर रफ्तार से चले। साथ ही तुमने मुझे भी देखा होगा कि मैं नित्य प्रतिदिन व्यायाम और ये सभी आदि करते रहता हूँ। मैं भी नित्य प्रतिदिन डंबल से अपना शरीर को मजबूत और मन को भी मजबूत बनाने का ध्यान से किया करता हूँ। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस पत्रिकाओं में लिखो ताकि हम श्री रामकृष्ण के जो उनका उद्देश्य था, जो उनकी कल्पना थी, उसे हम साकार कर पाए और लोगों तक इन चीज़ों को जन जन तक पहुंचा पाए, जिससे समस्त मानव जाति का सिर्फ भारत के स्तर तक ही नहीं अपितु पूरे विश्व के स्तर तक उससे लोगों तक जन जन तक बात पहुंचे। धन्यवाद।